अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अमावस की आधी रात जहां हाथों हाथ नहीं सूझ रहा था, वहां जमपुरा के बाहरी जंगल से होते हुए दो लोग टॉर्च की रोशनी के सहारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, जिनमें से एक उम्रदराज आदमी जिसका नाम मोहन था और उसका दोस्त भोला जो मोहन से कुछ छोटा था। चारों तरफ फैले जंगल और अजीब अजीब सी आती आवाजें। भोला ने डरते हुए कहा, मोहन भाई कहाँ फंसा दिया तुमने? तुमसे कहा था कि अपने गांव में ही जो काम है वही कर लेते हैं। आज अमावस की रात है, जंगल पार करने का झंझट मत करो। लेकिन तुम तो थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी के लालच में अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ ले आए। क्या तुम जानते नहीं कि इस जंगल में क्या रहता है? मोहन भोला को डांटते हुए बोला, चुप कर, तू भी कहाँ गांव वालों के बहकावों में आ गया? कुछ नहीं है इस जंगल में। अरे इन जंगलों में रात के वक्त तस्कर जानवरों को मार कर ले जाते हैं या फिर पेड़ काटने का काम करते हैं, इसीलिए अफवाह फैला रखी है कि इस जंगल में निशाचरी का साया है। तभी बोलते बोलते मोहन को लगा जैसे उसके पीछे आने वाले भोला के कदमों की आहट उसे सुनाई नहीं दे रही थी। मोहन रुक गया और बोला, तू मेरी बात सुन रहा है ना? ये कहते हुए मोहन जैसे ही पीछे पलटा उसके होश उड़ गए, क्योंकि पीछे भोला तो था ही नहीं। मोहन ने घबराते हुए आवाज लगाई, भोला भोला कहाँ गया तू? तभी भोला के चीखने की आवाज आई और मोहन बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ पड़ा। मोहन कुछ आगे गया ही था कि उसके सामने भोला का कटा हुआ सिर गिरा और मोहन जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और ऊपर से अपने ऊपर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। और मोहन ने घबरा कर जब ऊपर देखा और टॉर्च चलाई तो उसके हाथ से टॉर्च छूट गया। मोहन चिल्ला पड़ा और वहां से पूरी ताकत लगाकर भागा और सीधा अपने गांव पहुंचकर रुका। गांव के पंडित और कुछ लोग जो बीच चौराहे पर बैठकर गपशप कर रहे थे, उन्होंने जब मोहन को इस तरीके से बेहाल देखा और उसके कपड़ों पर लाल लाल धब्बे देखे तो हैरानी से बोले, मोहन ये क्या हुआ तुझे? ये सब क्या है? और तू तो दिहाड़ी के लिए जंगल पार गया था ना? मोहन अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को देखता हुआ बोला, हाँ वो रंग लगा हुआ है, आज रंगाई पुताई का काम कर रहा था ना तो वही लग गया। मोहन वहां से आगे बढ़ा ही था कि उसके कान में पंडित जी की आवाज पड़ी जो गांव वालों को कह रहे थे, देखो आज अमावस की रात है, हर कोई ध्यान से रहना, निशाचरी बहुत अलग अलग तरीके से अपना शिकार बनाती है, वो माया जाल फैलाकर तुम्हें बुलाएगी बाहर, कोई भी घर से बाहर मत निकलना। मोहन के बढ़ते कदम रुक गए और वो घबरा कर बोला, पंडित जी निशाचरी अमावस में सिर्फ एक ही जान लेती है क्या? पंडित ने कहा, ऐसा नहीं है, उसके हाथ जितने शिकार आते हैं वो सबको अपने साथ ले जाती है। पंडित की बात सुनकर मोहन ने डरते हुए पीछे पलटकर जंगल की तरफ देखा और सीधा अपने घर की तरफ भाग गया। घर के बाहर जाकर भी रुका और बार बार पीछे पलटकर देखते हुए घर का दरवाजा पीटते हुए बोला, बिजुरिया दरवाजा खोल, अरे दरवाजा खोल बिजुरिया। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी बिजुरिया ने जब देखा कि मोहन बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आप इस तरह क्यों भागते हुए आ रहे हैं और ये आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? मोहन जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, दरवाजा बंद कर और दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, ठीक है? बिजुरिया को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर मोहन इस तरह क्यों डरा हुआ है। मोहन ने तुरंत कपड़े बदले और बिस्तर पर मुंह ढककर लेट गया। उसकी पत्नी ने पूछा, खाना नहीं खाओगे क्या? मोहन इनकार करता हुआ बोला, थक गया हूँ, सोने दे, सोना है मुझे। डर के मारे मोहन को नींद नहीं आ रही थी, जैसे तैसे करके उसे नींद आई थी कि आधी रात के वक्त उसे लगा जैसे भोला उसे आवाज दे रहा है, मोहन, अरे मोहन। मोहन की नींद खोली और उसने मुंह तक चद्दर ओढ़े हुए कहा, ये भोला यहाँ कैसे हो सकता है, ये तो। तभी उसे फिर से भोला की आवाज सुनाई दी, मोहन, ओ मोहन, मुझे अकेला जंगल में छोड़कर कहाँ भाग गया? बारा? मोहन को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि भोला इस तरह आवाज दे रहा है तो इसका मतलब था वो सही सलामत था। मोहन धीरे से उठा और घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे पंडित जी की बात याद आ गई कि निशाचरी आवाज देकर बाहर बुलाती है,
मोहन डर गया, लेकिन जब बार बार भोला की आवाज आ रही थी तो मोहन को लगा कि नहीं हो ना हो ये भोला ही है। हो सकता है कि मैंने जो उसका कटा हुआ सिर देखा था वो मुझे डराने के लिए हो। इतना सोचकर मोहन तुरंत घर से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने देखा बाहर भोला खड़ा था और वो एक टक मोहन को घूर रहा था। मोहन जल्दी जल्दी भोला के पास आते हुए बोला, धीरे बोल, ये तो क्या कह रहा है? मैं डरा नहीं था, लेकिन मैंने तेरी कटी हुई गर्दन देखी अपनी आंखों के सामने। और मोहन को इस तरह बोलता देख भोला हंसता हुआ बोला, अरे मैंने तो तुझसे कहा ही था कि उस जंगल में निशाचरी रहती है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहकर भोला जोर जोर से हंसने लगा। मोहन को भोला का इस तरीके से हंसना अजीब लग रहा था। मोहन हंसते हंसते एकदम से खामोश हो गया और पीछे पलटकर जंगल की तरफ पड़ने लगा। मोहन ने जब भोला को जंगल की तरफ जाते देखा तो वो चिल्लाता हुआ बोला, भोला भोला रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? अरे इस बार तो जिंदा बच गया है, बार बार नहीं बचेगा। लेकिन जब भोला नहीं रुका तो मोहन उसके पीछे चला। मोहन ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर भोला के हाथ पकड़ लिए और उसे खींचता हुआ बोला, वापस चल गांव की तरफ। तुझे पता भी है आज पंडित जी क्या कह रहे थे, निशाचरी एक साथ कितने लोगों को भी अपना शिकार बना सकती है, चल चल वापस चल। मोहन की इस बात पर भोला मुस्कुराता हुआ मोहन की तरफ देखने लगा। मोहन को भोला की आंखों में एक अलग सा सूनापन दिख रहा था। मोहन के देखते ही देखते भोला की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और उसका सिर एक झटके में उसके धड़ से अलग हो गया और एक बार फिर वो सिर कटी लाश की तरह मोहन के सामने खड़ा रहा। और मोहन डरता हुआ बोला, मतलब मैंने उस पेड़ पर जो भोला की लाश देखी थी जिसका सिर कटा हुआ था और मेरे सामने जो उसका सिर गिरा था, वो दोनों ही असली थे, मतलब भोला भोला सच में मर चुका है। तभी एकदम से वो लाश मोहन के ऊपर आकर गिरी और मोहन चीखता हुआ भागा, लेकिन वो घबराहट के मारे घर की तरफ भागने की बजाय जंगल की तरफ भागने लगा और वो भोला की सिर कटी लाश भी मोहन के पीछे भागने लगी। मोहन बार बार पीछे देखता, चिल्लाता और फिर से भागने लगता। अचानक जंगल के बीचों बीच ठीक उसी जगह जहां उसने पहली बार भोला की लाश देखी थी, वहां वो मुंह के बल आकर गिरा। दर्द से कराहता हुआ मोहन उठकर फिर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ठीक अपने सामने भोला की वो सिर कटी लाश दिखी। मोहन वापस भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटा वो किसी से टकराया। उसने घबराते हुए ऊपर देखा तो करीब 7-8 फीट लंबा सफेद चमड़ी और बर्फ सी ठंडक महसूस हुई। मोहन ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसके लंबे लंबे बाल जिससे खून टपक रहा था और वो मोहन की आंखों के सामने खड़ी थी। उसे देखकर मोहन डर से बिल्कुल जहां खड़ा था वहीं जम गया। बस उसके होठों से धीरे से निकला, ये नहीं हो सकता, ये वो कैसे हो सकती है? मतलब इतने वक्त से जिस निशाचरी की वजह से मौतें हो रही है वो ये है? मोहन कभी पीछे देखता तो भोला की सिर कटी लाश, कभी आगे देखता तो वो निशाचरी। मोहन कांपता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर मोहन जोर जोर से चीखने लगा। तभी वो ठंडी आवाज में बोली, बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था मोहन, भूल गया? ऐसे ही अमावस की वो रात थी जब मैं भी इसी तरह गिड़गिड़ा रही थी, यकीन दिला रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मोहन कांपता हुआ बोला, मेरी गलती नहीं थी, वो तो मुखिया जी ने कहा था। निशाचरी एक गुस्से में चीखती हुई बोली, मुखिया ने मुझे जिंदा जलाने का हुक्म दिया था और उनमें सबसे आगे तू था। पहली मशाल तेरी ही थी और तेरे पीछे था ये भोला जिसकी सिर कटी लाश तेरे सामने खड़ी है। तुम दोनों हंस रहे थे, आज जब मैं हंस रही हूं तब डर से कांप क्यों रहा है मोहन? मोहन की आंखों के सामने वो बात घूमने लगी। जब गांव के बाहर जंगल शुरू होते ही झोपड़ी बनाकर एक औरत रहने लगी थी। वो कौन थी कोई नहीं जानता था। लंबाई उसकी बहुत ही ज्यादा थी। दुबली पतली सी वो औरत अपने मतलब से मतलब रखती थी, लेकिन उसके आने के बाद गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई
जैसे पशु अपने आप मरने लगे। हर जगह बदबू फैलने लगी और गांव वालों ने यह मान दिया कि वो डायन है और उसे गांव से भगाने की हर कोशिश करने लगे। लेकिन इस औरत ने साफ साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी और उसके बाद गांव वाले उस औरत के साथ बहुत ज्यादतियां करने लगे। और एक दिन जब गांव के मुखिया के तबेले से कुछ पैसे गायब हो गए तो मुखिया ने उनकी तलाशी करवाई और उस औरत की झोपड़ी के पीछे बड़ी बड़ी हड्डियां मिली। और ये बात जब मुखिया तक पहुंची कि उस औरत ने उनके पशुओं को चुराया है और उन्हें खा गई है, तब गुस्से से सुलगता हुआ मुखिया एक रात अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस औरत की झोपड़ी में आग लगा दी। और झोपड़ी के जलने के बाद भी उस औरत की मौत नहीं हुई, बल्कि वो आग से लिपटी हुई आधी जली हुई चीखती हुई बाहर आई और मुखिया पर झपटने की कोशिश करने लगी और मुखिया के लोगों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी लाश को ले जाकर बीच जंगल में एक पेड़ पर टांग दिया। उसके बाद से हर अमावस को इस तरीके की मौत होने लगी और इन मौतों में मुखिया और उनके तमाम लोग भी शामिल थे। आज भोला की भी मौत हो चुकी है और अब अकेला बचा मोहन था जिसकी आज बारी थी। मोहन समझ चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी एक बार उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहां से भागने लगा। मोहन भागता जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो एक ही जगह पर दौड़ रहा था, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। एकदम से भागते भागते जब मोहन की सांस फूलने लगी और उसे लगा जैसे कि उसका दम घुट रहा है, तभी निशाचरी ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसके सिर को किसी खिलौने की तरह मरोड़ दिया और एक झटके में उसके सिर को धड़ से अलग करके दो हिस्सों में बांट दिया। आधी रात में मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच में मुकेश के घर का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मुकेश को हैरानी हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि उसके माता पिता भी शहर के बाहर गए हुए थे। मुकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत सी खूबसूरत सी लड़की, जिसके बाल घुटनों से भी लंबे थे और उसकी आंखें नीली थी, भीगी हुई खड़ी थी। वो सहमी हुई नजरों से मुकेश की तरफ देखकर बोली, क्या मुझे आज रात यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? मैं बहुत दूर से आई हूँ और ऐसे मौसम में मैं अपने घर लौटकर नहीं जा सकती। मुकेश उस लड़की की खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर में रुकने की जगह दे दी। आधी रात को जब मुकेश गहरी नींद में सोया था, तब उसे मुकेश को अपने गर्दन पर कुछ चुभने का एहसास हुआ, साथ ही अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ। मुकेश की सांसें रुकने सी लगी थी। उसने जो आंखें खोल कर देखा तो उसे अपनी छाती पर कोई बैठा दिखाई दिया जो उसके गले के पास उसका खून चूस रहा था। डर के मारे और लगातार खून के खींचने की वजह से मुकेश की आंखें धीरे धीरे वापस बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी नींद देर से खुली तो उसने देखा रात में जो लड़की रुकी थी वो किचन में नाश्ता बना रही थी। मुकेश हैरान था कि अब तक ये गई क्यों नहीं, और उसे अपनी पिछली रात अपने साथ हुए हादसे के बारे में याद आया। उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लेट तक सो रहे थे, आपसे बिना मिले तो नहीं जा सकती थी, तो सोचा तब तक नाश्ता बना लूं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुकेश ने सोचा कि जो पिछली रात हुआ था कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था। वहम ही होगा, कल रात शायद मैंने कुछ ज्यादा पी ली होगी। तभी मुकेश का ध्यान गया कि उसके घर के सारे पर्दे सारी खिड़कियां बंद थे, कमरे में सिर्फ लाइट जल रही थी। मुकेश उठकर खिड़कियों को खोलने लगा और जैसे ही पर्दे हटाए और खिड़कियों को खोला, वो लड़की जो नाश्ते के टेबल पर नाश्ता लगा रही थी उसके हाथ से नाश्ते का बर्तन छूट गया और वो घबराती हुई किचन में घुस गई। मुकेश को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। मुकेश जल्दी उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और उसने कहा, जी मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही है, इसलिए। मुकेश अपने मन में बोला, कमजोरी तो मुझे भी महसूस हो रही है और इसे भी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी, नहीं नहीं शायद हो सकता है कि इसने भी मेरी बोतल से एक बैग लगा लिया हो। फिर मुकेश ने उससे कहा, ठीक है तुम थोड़ी देर आराम करो, और वैसे अब तक मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। और उस लड़की ने कहा, मेरा नाम कामिनी है। और मुकेश बोला,
मैं मुकेश हूँ। वैसे तुम आई कहाँ से हो? और कामिनी ने कहा, मैं क्या बोलूं, मैं एक अनाथ हूँ। गांव में चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। शहर में यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो अपना गुजारा कर सकूं। मुकेश तुरंत बोला, कहीं और क्यों, तुम हमारे यहीं काम कर सकती हो। वैसे भी जो हमारी पिछले काम वाली भी थी वो भी जा चुकी है, और मम्मी को नई काम वाली की जरूरत भी है। अगर तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ, फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। कामिनी खुश होते हुए बोली, सच? आप सच कह रहे हैं? और मुकेश ने कहा, हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, मुझे जरा कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तुम घर का सारा काम देख लेना, ठीक है? तुम आज से ही काम पर रह सकती हो। मुकेश घर से बाहर निकल गया और कामिनी के होठों पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, और किचन में खड़ी खड़ी उसकी चोटी लंबी होती गई, और किचन से ही अपनी चोटी की मदद से उसने वापस खिड़की और पर्दे बंद कर लिए। उस शाम मुकेश का दोस्त राहुल मुकेश के घर पर पार्टी करने के लिए आने वाला था। मुकेश ने कामिनी से कहकर खाना पीना बनवा लिया था। वे दोनों हॉल में ही बैठकर शराब पी रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। कामिनी उन लोगों के लिए पानी बर्फ वगैरह का इंतजाम कर रही थी। तभी राहुल, जिसके सिर पर नशा ज्यादा चढ़ चुका था, उसने एकदम से कामिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, थोड़ी सेवा हमारी भी कर दो, हमारे घर पर भी एक सुंदर काम वाली की जरूरत है। राहुल की इस बदतमीजी पर कामिनी ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन राहुल ने बेशर्मी के साथ कहा, अगर ना छोड़ू तो? तभी मुकेश ने राहुल का हाथ हटाते हुए कहा, ये क्या कर रहा है राहुल, हाथ छोड़ उसका, कामिनी तुम जाओ। और कामिनी राहुल को घूरती हुई वहां से चली गई। काफी देर रात इन दोनों लड़कों की पार्टी चलती रही, और उसके बाद राहुल अपनी बाइक से घर के लिए निकल गया। मुकेश भी अपने कमरे में सोने चला गया। अभी राहुल कुछ आगे खाली सड़क पर पहुंचा ही था कि उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी तेजी से बाइक के साथ दौड़ रहा है। और राहुल बोला, लगता है कोई दौड़ते हुए मेरा पीछा कर रहा है। फिर हंसता हुआ बोला, राहुल बेटे लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। बोला, बाइक का पीछा कोई दौड़ते हुए कैसे करेगा है? तभी राहुल ने ब्रेक लगाई, क्योंकि उसकी बाइक के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो उसकी तरफ पीठ घुमाकर खड़ी थी। राहुल गुस्से में बोला, कौन है? अरे मरने का शौक है तो किसी और गाड़ी के पास जगना, इधर क्या है? वो एकदम से पीछे पलटी। वो कोई और नहीं बल्कि कामिनी थी, और कामिनी को देखकर राहुल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। और राहुल ने कहा, तुम यहाँ कैसे, और तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई? और कामिनी मुस्कुराती हुई अपनी लंबी चोटी उसकी तरफ बढ़ाने लगी। ये देखकर राहुल बाइक छोड़कर उल्टे पैर भागा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। कामिनी ने अपनी चोटी में उसे लपेटा और अपने करीब लाती हुई बोली, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे? राहुल डर से थर थर कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम, कौन हो? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। उसका सारा नशा हवा हो चुका था। कामिनी राहुल के गले पर अपनी चोटी कसते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब लाकर बोली, पिशाचिनी हूँ मैं, तुम मेरे हाथों से अपनी प्यास बुझाना चाहते थे ना, अब मैं प्यास बुझाऊंगी। इतना कहकर उसने अपने तीखे दांत राहुल के गले में चुभा दिए, और राहुल दर्द से चीखने लगा। कुछ ही देर में तड़प तड़प पर वो मर गया। उसके शरीर का पूरा खून पिशाचिनी पी चुकी थी, और राहुल का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। राहुल को एक तरफ पटकने के बाद उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। सोने की कुछ देर बाद ही मुकेश की नींद खुली। उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसने देखा तो कमरे में पानी नहीं था। वो पानी लेने नीचे किचन की तरफ आ गया, लेकिन किचन में उसने देखा कि कामिनी का बिस्तर खाली था। कामिनी वहां नहीं थी। मुकेश को हैरानी हुई कि वो कहां चली गई। उसने पूरे घर में कामिनी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। और मुकेश वहीं सोफे पर बैठकर कामिनी का इंतजार करने लगा। काफी देर बीतने के बाद मुकेश को किसी की आहट महसूस हुई, और वो जल्दी से उठा और सोफे के पीछे छुपकर देखने लगा।
उसने देखा कि कामिनी बहुत ही दबे पांव आई और किचन की तरफ बढ़ रही थी। कामिनी के कपड़ों पर खून गिरा था। ये देख मुकेश को घबराहट होने लगी कि आखिर आधी रात ये कहां से आ रही है और उसके कपड़ों पर खून कैसा। लेकिन मुकेश ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप दबे पांव वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसे उस पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह कामिनी से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो बात करता उसके मोबाइल पर फोन आया और पता चला कि राहुल की लाश मुकेश के घर से कुछ आगे मैदानी हिस्से में पड़ी हुई है। लाश बिल्कुल काली थी और उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल ली गई है। ये सुनकर मुकेश को घबराहट सी होने लगी। उसे याद आया कि कल रात कामिनी किस तरीके से घर में आई थी और उसके होठों पर खून लगा था। मुकेश ने घबराते हुए कामिनी की तरफ देखा। पिछली रात मुकेश ने आधी रात के बाद कामिनी को छुपते छुपाते घर में आते देखा था और उसके कपड़ों पर खून लगा था। और आज मुकेश को अपने दोस्त राहुल के मरने की खबर मिली और उनके शरीर से खून बिल्कुल गायब था। मुकेश ने शक भरी नजरों से कामिनी की तरफ देखा, लेकिन कामिनी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उस वक्त तो मुकेश तुरंत अपने दोस्त के लिए घर से निकल गया, लेकिन वो पूरे दिन बेचैन रहा। शाम को वो जब घर आया तो उसे पूरे घर में अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, जैसी बदबू कभी महसूस नहीं हुई। घुटन सी हो रही थी, थका थका सा लग रहा था। कामिनी ने कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आपके दोस्त की मौत का दुख है मुझे। फिर मुकेश ने कहा, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मेरे लिए कप चाय बना दो प्लीज, मैं चाय पीकर थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा। कामिनी ने चाय बना कर दी और चाय पीकर मुकेश अपने कमरे में चला गया। दिन भर थकने की वजह से और क्योंकि पिछली रात भी सोया नहीं था तो उसे नींद आ गई और एक बार फिर आधी रात के करीब उसे अपने गले पर चुभन महसूस हुई और अपनी छाती पर भारीपन का एहसास हुआ था। उसकी सांस तेज चल रही थी, वो पूरा पसीने से नहाया हुआ था। मुकेश ने आंखें खोली और उसे देखा कि उसके सीने पर फिर कोई काला साया बैठा हुआ है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो खून चूस रहा है। मुकेश चिल्लाता हुआ उठ गया और उसकी छाती पर जो बैठा हुआ था उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कमरे में कोई नहीं था। मुकेश को हैरानी हुई। उसने अपने गले पर हाथ लगाकर जब देखा तो उसके गले से वाकई खून निकल रहा था। वो घबराकर उठा और भागता हुआ नीचे गया और उसने किचन में जाकर देखा तो कामिनी आराम से सो रही थी। मुकेश जैसे ही किचन से निकला, कामिनी ने अपनी आंखें खोली और हंस पड़ी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला और उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें टपकने लगी, जिसे वो बड़े प्यार से वापस चाट गई। मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो वापस घबराते हुए अपने कमरे में आया और वो जैसे ही कमरे में आया उसने देखा कि उसके बेड के पास पायल गिरी हुई थी। उस पायल को देखते ही मुकेश बोला, ये पायल हमारे घर में तो कोई औरत नहीं पहनती सिवाय कामिनी के। मुकेश को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने उस पायल को रख लिया और सुबह जल्दी जाकर उसे नाश्ते की टेबल पर रखाया और नजर रखने लगा। मुकेश का शक बिल्कुल सही था। कामिनी ने जैसे ही उस पायल को देखा तुरंत उठाकर उसे पहन लिया और नॉर्मल तरीके से काम करने लगी। मुकेश ने गौर किया तो उसके घर के खिड़की पर्दे हमेशा बंद रहने लगे थे। उसके घर में बदबू आने लगी थी। उसके दोस्त की मौत आधी रात को अजीब तरीके से हुई और उसी वक्त कामिनी बाहर से दबे पांव घर में आई थी। उसकी छाती पर बैठकर किसी का उसका खून चूसना, ये सब कुछ साफ था कि ये जरूर कुछ अलग बात है। जिस कामिनी को अपने घर में काम पर रखा था ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। मुकेश को ये बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले कि मुकेश कुछ सोच पाता उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुकेश एकदम से कांपते हुए पीछे पलटा तो सामने कामिनी खड़ी थी और मुकेश को देख रही थी और मुकेश को देखती हुई बोली, इस तरह छुप छुप कर औरतों को देखना अच्छी बात नहीं है मुकेश बाबू। फिर मुकेश घबराता हुआ बोला,
नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ सोच रहा था, मुझे मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ ना। इतना कहकर मुकेश बिना एक पल भी रुके घर से बाहर भाग गया। मुकेश घर के बाहर तो आ गया था, लेकिन अब क्या करना था उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और कॉल करके उन्हें सारी बात बताई। और उसकी माँ ने जब ये सुना तो वह खुद बहुत डर गई। उन्होंने कहा, बेटा तू वापस उस घर में मत जाना, तू सीधा गुरुजी के पास जा, अब वही कुछ कर सकते हैं। और मुकेश तुरंत गुरुजी के आश्रम की तरफ भागा। मुकेश जैसे ही गुरुजी के सामने गया, गुरुजी कुछ देर उसे एक टक देखते रहे। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही थी। मुकेश हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया और गुरुजी बोले, पिशाचिनी पिशाचिनी पीछे पड़ी है तेरे। और मुकेश घबराता हुआ बोला, मुझे बचाइए गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है, उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है। पिछले कुछ दिनों में क्या तूने कहीं भी किसी भी पुराने बक्से, पुराने दरवाजे या ऐसी किसी चीज को खोला है? और मुकेश याद करता हुआ बोला, हाँ अभी 4 दिन पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर वो जो खंडर है ना, वहाँ ट्रैकिंग के लिए गया था। वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा बक्सा था। हैरानी की बात थी कि इस खंडर में वो बक्सा बिल्कुल नया सा लग रहा था। जाने मेरे मन में क्या आया और मैंने उस बक्से को खोल दिया, लेकिन उस बक्से में सिवाय चमगादड़ के कुछ और नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं था। मूर्ख, उस बक्से में चमगादड़ नहीं बल्कि बरसों पुरानी खून की प्यासी एक पिशाचिनी कैद थी। वो जो महल आज खंडर में तब्दील हुआ है वो उसी पिशाचिनी के कहर का नतीजा था। और बाद में उस पिशाचिनी को बक्से में कैद कर दिया गया और उस महल को खाली कर दिया गया जो बाद में खंडर बन गया। तूने उसे आजाद कराया है इसलिए वो तेरे पीछे पड़ी है। इतने सालों से वो प्यासी थी, वो कमजोर थी, और जैसे जैसे वो खून पीती जा रही है ताकतवर होती जा रही है। क्या तेरे घर में बदबू आना शुरू हो चुकी है? और मुकेश बोला, जी जी गुरुजी, पहले नहीं थी लेकिन मेरे दोस्त की मौत के बाद ऐसा होने लगा है। तभी गुरुजी ने कहा, बस उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही है। मुकेश घबरा कर बोला, अब मैं क्या करूं गुरुजी? और गुरुजी ने कहा, चिंता मत कर मेरे साथ चल। गुरुजी मुकेश के साथ उसके घर आ गए। गुरुजी के घर में कदम रखते ही कामिनी बौखला चुकी थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। गुरुजी चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे, तभी उन्हें अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। कामिनी ने अपनी चोटी गुरुजी के गर्दन में लपेट दी थी और एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तू मुझे रोकेगा? क्या लगता है तुझे, क्या मुझे पता नहीं है कि मेरे बारे में सब जान गया है तू? मैं पहले से तैयार थी। गुरुजी की सांसें लगभग रुकने लगी थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने लिए, और कामिनी उनके गर्दन पर अपने दांत चुभा चुकी थी। गुरुजी तड़प रहे थे, उन्होंने हाथों के इशारों से मुकेश को खिड़की की तरफ दिखाया और बहुत धीरे से उनके मुंह से निकला, रोशनी पर्दा हटाओ। मुकेश बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और उसने एकदम से पर्दे खोलने शुरू किए। हॉल में चारों तरफ से धूप आने लगी और जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पिशाचिनी पर पड़ी, वो दर्द से छटपटाते हुए बोली, मूर्ख इंसान, बंद कर ये सब पर्दे, बंद कर। सूरज की रोशनी की वजह से वो कमजोर पड़ने लगी थी। गुरुजी से उसका शिकंजा ढीला पड़ चुका था, लेकिन वो गुरुजी का इतना खून चूस चुकी थी कि उनमें हिम्मत नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथ लाए चंदन की छोटी छोटी कीलों को तड़प रही उस पिशाचिनी के शरीर में चुभाना शुरू किया। और जैसे जैसे चंदन की कीलें उसके शरीर में जा रही थी, उसके शरीर से खून निकलकर बहता जा रहा था और खून की कमी से वो बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसके निढाल होते ही गुरुजी भी निर्जीव की तरह जमीन पर बेहोश हो चुके थे। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर गुरुजी के दो शिष्य खड़े थे और उनके हाथ में बहुत भारी सा लकड़ी का बक्सा था जो उसने खंडर में खोला था। गुरुजी के शिष्य उसने पिशाचनी को उठाकर उस बक्से में डाल दिया और उस बक्से के अंदर जाते ही वो पिशाचनी बिल्कुल गायब हो गई। सिर्फ उसकी लंबी चोटी बक्से के बाहर रह गई थी और तुरंत उस बक्से को बंद किया और वे दोनों वो बक्सा लेकर बाहर निकल गए। मुकेश ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और गुरुजी को अस्पताल ले गया। कुछ घंटों बाद
जब गुरुजी होश में आए तो उन्होंने मुकेश से कहा, वो मुसीबत हमेशा के लिए जा चुकी है। उसे फिर से उसी बक्से में कैद करके उस खंडर में छोड़ा जा चुका है, लेकिन फिर कोई तुम्हारी तरह उसे आजाद ना करे, इसलिए मैं पूरी विधि के साथ उस बक्से को जमीन के नीचे दफन करवा दूंगा। कौन है इन सब के पीछे? ये पेड़ अचानक से कहां से आ गया? सब कुछ खत्म कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे, मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो। कुछ दिनों पहले तक जिस जगह पर दूर दूर तक कोई पेड़ का नामो निशान नहीं था, सिर्फ सूखा पड़ा हुआ था, बड़े बुजुर्ग बोले कि ये जगह पहले युद्ध का मैदान थी। राजाओं की लड़ाई में कई सारे निर्दोष सैनिकों ने अपनी जान खोई थी। ये जगह शापित है, यहाँ न तो कोई इंसान न कोई पेड़ पौधा। लोगों ने कई बार उस जगह को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाने की कोशिश भी की, मगर वहाँ कोई पेड़ पनप ही नहीं पाया। ये मैदान लोगों के रास्ते में पड़ता था। इसी रास्ते से होकर सभी लोग गांव से अपने खेतों में पहुंचते थे। एक दिन गांव के दो लोग उस मैदान में से निकलकर अपने खेतों में जा रहे थे, मगर आज उस जगह को लोग आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा पौधा पनप रहा था। उस पौधे की पत्तियां काली थी। ये तो दुनिया का आठवां आश्चर्य होगा। इस वीराने में एक पौधा पनप रहा है। अरे भाई साहब, आपको तो वो पौधा दिख रहा है, मगर ये तो देखिए कि इस पौधे में पत्तियां काली हैं। सही कहा, ऐसी काली पत्ती वाला पौधा पहली बार दिखा है। एक तो शापित जगह और दूसरा काली पत्ती का पौधा। खो ना हो, जरूर कोई शैतान का साया है, इसे पनपने से पहले ही उखाड़ देते हैं। बंजर जमीन पर कोई पेड़ उग रहा है और तुम उसे निकालने की बात कर रहे हो सकता है कोई नई तरह का पौधा हो, किसी से बात करने पर पता चलेगा ना। अब वैसे भी यदि उखाड़ना है तो अभी तो छोटा सा पौधा है, कोई भी एक झटके में उखाड़ देगा। एक दो दिन रुको, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। दोनों उस पौधे के बारे में बात कर रहे थे, मगर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जितनी बार उन्होंने उस पौधे का नाम लिया, उस पौधे में एक एक पत्ती बढ़ती जा रही थी। दोनों गांव वाले बात करते हुए उस मैदान से गांव में पहुंच गए थे। उन दोनों की बातों से सब गांव वालों की जुबान पर उस काली पत्ती वाले पौधे का ही नाम था। इधर गांव वाले जितनी बार उस पौधे के बारे में बात कर रहे थे, हर बार बात करने के बाद उस पौधे पर धीरे धीरे पत्तियां पड़ रही थी। आसपास के सभी गांव और शहर में एक दिन में पनपने वाले पौधे के बारे में चर्चा हो रही थी। जितनी ज्यादा चर्चा होती उतना ही वो पौधा बढ़ता जाता। धीरे धीरे बढ़ते हुए उस पौधे ने पूरे मैदान को घेर लिया था। दिल्ली में रहने वाले तीनों दोस्तों ने जब न्यूज़पेपर में इस पेड़ के बारे में पढ़ा तो उसे देखने के लिए गांव जाने के बारे में सोचने लगे। यार, इस बार का वीकेंड का प्लान सेट हो गया, हम लोग इस पेड़ को देखने वहां जरूर जाएंगे। एक ही रात में इतना बड़ा हो गया कि पूरे मैदान को ढक लिया। सॉरी गाइस, इस बार मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं हूँ। प्लीज साथ में चलो भी, we will have fun together। यहाँ से केवल 2 घंटे का रास्ता है, सुबह जाकर शाम को आ जाएंगे। ऋषि और अनिल के कहने पर रिया भी उन लोगों के साथ गांव जाने के लिए निकल गई। तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। ड्राइविंग सीट पर ऋषि था और रिया उसके करीब बैठी थी। अनिल पीछे की सीट पर बैठा हुआ आसपास के नजारों को अपने हैंडीकैम से शूट कर रहा था। यार अनिल, आजकल तो एडवांस कैमरा मोबाइल में भी आते हैं, उसके बावजूद तू क्यों ये हैंडीकैम लेकर घूमता है? यार जो बात इस हैंडीकैम में है ना, वो मोबाइल कैमरे में नहीं है, दूर तक शूट हो जाता है। हैंडीकैम की तारीफ करते हुए अनिल ने हैंडीकैम शूट करने के लिए रिया को पोज देने के लिए कहा। रिया अलग अलग पोज में फोटो क्लिक करवा रही थी। ऋषि उन दोनों की हरकत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका ध्यान ड्राइविंग से हटकर उन दोनों पर आ गया। तभी अचानक सामने उनकी एक कार से टक्कर हो गई। अरे ये क्या क्या मुसीबत है, गाड़ी के अचानक सामने कौन आ गया? क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हो और गाड़ी क्यों रोक दी? अरे यार, गाड़ी के सामने कोई आ गया था और टकरा गया, उसे जाकर देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, कौन टकरा गया? हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अरे गाड़ी के टकराने पर वो आदमी जोर से चीखा भी था और तुम कह रहे हो कि कुछ महसूस नहीं हुआ, चलो उतर कर देखते हैं। ये देख ऋषि का चेहरा डर के कारण सफेद हो जाता है, क्योंकि उसने साफ साफ देखा था कि कोई बुजुर्ग उसकी कार से टकराया था, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा था ना कि तुझे भ्रम हुआ, देख यहाँ पर कोई भी नहीं है,
यदि कोई टकराता तो यही सड़क पर पड़ा होता ना, कहाँ है वो? ऋषि को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो घूम कर सबको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि गाड़ी के फ्रंट पर खून के धब्बे लगे थे। देखो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था ना, गाड़ी से जरूर कोई टकराया था। देखो यहाँ पर खून भी लगा है। खून कहाँ है? खून मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, उल्टा यहाँ पर तो मुझे तो चिड़िया की पोटी नजर आ रही है। ऋषि लगता है कि तू थक गया है, तू एक काम कर, तू बैक सीट पर बैठ कर आराम कर, गाड़ी मैं चला लेता हूँ। अनिल के समझाने पर भी ऋषि को विश्वास नहीं हो रहा था, वो चारों ओर किसी को ढूंढ रहा था। रिया उसका हाथ पकड़कर बैक सीट पर ले गई और कार अब अनिल चला रहा था। ऋषि की नजर बैक व्यू मिरर पर पड़ी तो वहां पर एक बुजुर्ग उनकी कार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से सफेद और आंखों की जगह काले कट्टे थे। सिर पर लगी चोट में से खून आ रहा था। जैसे ही ऋषि ने उसे देखने के लिए अपना फेस पीछे किया, वहां पर कोई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, वो बुजुर्ग दिखने में कितना डरावना लग रहा था। मुझे अच्छे से यकीन है कि वो मेरी कार से टकराया था, मगर जब हम उसे देखने के लिए नीचे उतरे तो वो कहीं गायब हो क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ ऋषि, क्या सोच रहा है भाई? अभी भी उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है क्या, जो हुआ ही नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कर, वो बुजुर्ग हमारी कार से टकराया था। तभी तो मैंने उसे बैक व्यू मिरर से देखा था। हम लोग इस ट्रिप को यहीं पर ड्रॉप करते और वापस शहर चले जाते। कैसी बातें कर रहा है ऋषि, वापस चले जाते? अरे GPS पर बता रहा है कि आगे से राइट टर्न लेकर 10 मिनट का रास्ता है, और अब इतनी दूर आकर उस पेड़ को देखे बिना वापस कैसे चले जाएंगे बता? तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी के बॉनेट में से धुआं निकलने लगा। धुएं को देखकर अनिल बोला, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। तो अब आगे कैसे जाएंगे? ये आगे नहीं जा पाएगी। कार से उतरकर आसपास देखता है, तभी उसे अपनी आंखों के आगे वो पेड़ नजर आता है। अरे देखो, वो रहा पेड़, सामने ही तो है। सभी उस पेड़ की ओर। पेड़ बहुत ही विशाल था, उसका तना और पत्ते पूरे काले थे। जितने एरिया में वो पेड़ फैल चुका था, आसपास सब कुछ नीरस और निर्जीव था, मानो वो पेड़ सब कुछ खा गया। इस पेड़ के पास आकर इतनी निगेटिव फीलिंग आ रही है, इसके आसपास भी कोई जानवर या इंसान नहीं है। ये पेड़ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ सब कुछ कितना नीरस है, मानो ये खामोशी से धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रहा हो। रिया, क्या हुआ, होश में आओ, मैं गाड़ी से पानी लेकर आता हूँ। ऋषि उन दोनों को वहाँ छोड़कर गाड़ी से पानी लेने गया। जब लौट कर आया तो दोनों वहाँ नहीं थे। अनिल, रिया, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे वैसे ही यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से निकलते हैं। तभी अचानक अनिल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। थैंक गॉड अनिल, तुम मिल गए, रिया कहाँ? अनिल से प्रश्न पूछते हुए जैसे ही ऋषि उसकी ओर पलटा, उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। अनिल की आंखों की जगह काले गड्ढे और चेहरा एकदम सफेद नीरस था। वो डर कर पीछे हटने लगा। कभी पेड़ की शाखा से रिया उल्टा लटक कर उसका नाम पुकार रही थी। देखो तुम दोनों मजाक मत करो, मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ यार। हम तुझे डरा नहीं रहे हैं, हम तो तुझे अपने पास बुला रहे हैं। आजा, हमारे करीब आजा। ऋषि वहां से डरकर भागने लगा, मगर वो पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये पेड़ अचानक कहां से जन्मा और कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, इसका राज जानना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि एक पेड़ की शाखा ने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया। कौन है, कौन है इन सब के पीछे? ये पेड़ अचानक से कहां से आ गया? सब कुछ खत्म कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे, मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो। ऋषि की बात सुनकर पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो वो उसकी बात पर हंस रही थी। टहनी ने ऋषि को नीचे गिरा दिया। पिछले 4 दिन में यहाँ और आसपास सब कुछ खत्म हो गया, मगर किसी ने हमारी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। तुम पहले इंसान हो जो ये जानना चाहता है कि ये पेड़ और इसकी तबाही के पीछे किसका हाथ है। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में भी सोच रहे हो, इसीलिए बताता हूं। सुनो, ये
ये पूरी की पूरी जगह ही शापित है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। कई सारे मरे हुए सैनिकों की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। इन्हीं सैनिकों की रूह को शांति चाहिए। शांति चाहिए? मगर तबाही मचाकर शांति कैसे मिलेगी? यहाँ अभी भी कुछ सैनिक ऐसे हैं जो मुक्ति नहीं बर्बादी चाहते हैं, और ये पेड़ उन्हीं की सोच का नतीजा है। ये पेड़ धीरे धीरे बढ़कर अपनी आस पास सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके पहले तुम्हें इसकी जड़ों में गंगा जल डालकर आग लगानी होगी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जाओ जाकर इस काम को अंजाम दो। वो भागता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा और कार में से पेट्रोल निकाल लिया। मगर अब सवाल गंगा जल का था, वो कहां से लाए? उसे इस पेड़ की छाया में ही एक मंदिर नजर आया। मंदिर के ऊपर पेड़ की छाया नहीं बन रही थी, शायद वहां की पॉजिटिविटी का असर था। वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा तो एक टहनी ने उसका पैर पकड़कर गिरा दिया। मगर जैसे तैसे बहुत मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और वहां से गंगा जल लेकर पेड़ की जड़ों तक पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ में गंगा जल डाला, कई सारी आत्माएं धुएं के रूप में चीखते हुए वहां से बाहर निकली। आसपास दहशत का माहौल हो गया। कुछ देर बाद ऋषि ने अपने हाथ में रखा पेट्रोल पेड़ की जड़ों में डाला और आग लगा दी। पेड़ पर आग लग गई। आग के साथ ही कई सारी आत्माएं और निकलकर बाहर आ गई। जब पूरा पेड़ जलकर राख हो गया, थोड़ी देर बाद वहां एक नया पेड़ उगा जिसके पत्ते हरे थे। मुझे अपने दोस्तों को खोने का अफसोस जरूर है, मगर इस बात की भी खुशी है कि इस पेड़ की दहशत खत्म हो गई। अमावस की रात और उस पर घनघोर बारिश के दौरान बीच बीच में कड़कती बिजली, बादलों की गर्जना माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। लोग अपने अपने घरों में डरे सहमे बैठे थे। तभी पुराने कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुला और तेज हवा के झोंके के साथ ढेर सारी धूल मिट्टी एक बवंडर के रूप में वहां से बाहर आई। जोर की आवाज के साथ एक कब्र खुली और उसमें से सड़ी हुई पुरानी लाश बाहर आई, जिसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। बारिश में वो मिट्टी बहकर निकलने लगी। चमकती हुई बिजली के बीच लाश बेहद ही डरावनी लग रही थी। लाश ने इधर उधर देखा और तेज आवाज में जैसे ही चीखी, आसपास की कब्र की मिट्टी हट गई और उनमें से भी लाश बाहर आने लगी। यार क्या है, कितना अच्छा सीन चल रहा था। शैतान की आत्मा के बोलने पर पूरा कब्रिस्तान जाग चुका था। आगे देखने देना यार, क्या होने वाला है। सारा दिन हॉरर मूवी देखता रहता है, कभी सोचा है यदि ये सब कुछ सच हो गया तो क्या होगा? अरे ये सब कुछ काल्पनिक बातें हैं, कभी सच नहीं हो सकती। और तुम्हें अगर इन सब चीजों से डर लगता है तो मुझे तो एंजॉय करने दो। हाँ हाँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं भूत प्रेत में यकीन करता हूँ, और वो सारी बातें सच भी होती हैं। कहा जाता है ज्यादा उनकी दुनिया में दखल अंदाजी की जाए तो वे नाराज हो जाते हैं। अगर भूत प्रेत सच में होते तो उन्हें बुलाने का तरीका तुझे पता होगा ना। वैसे भी मूवी में ये सब कुछ देखकर मन भर गया, असल जिंदगी में कुछ तूफानी हो तो मजा आ जाए। कहते हुए संजय ने दोबारा लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की, मगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। इसे क्या हुआ, अच्छी खासी मूवी चल तो रही थी। लैपटॉप को कुछ भी नहीं हुआ, उसे भी आराम की जरूरत है, सो जा, वैसे भी रात बहुत हो गई है। जतिन और संजय दोनों बचपन के दोस्त, साथ साथ पढ़ाई करने के उद्देश्य से छोटे से गांव से निकलकर कानपुर में पीजी में साथ रह रहे थे। तभी हॉस्टल से वार्डन आई और खबर दी कि संजय की दादी की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे गांव बुलाया है। यार मुझे गांव जाना होगा, मैं अभी निकलता हूँ। अब तो रात हो गई है और मेरे ख्याल से आखिरी बस भी निकल चुकी होगी, गांव कैसे पहुंचेगा? मैं किसी दोस्त की बाइक लेकर चला जाऊंगा। चल ठीक है, मैं भी आता हूँ। वैसे ही रात बहुत हो चुकी है और ये कुत्ते रो रहे हैं। ऐसा करते हैं अभी वापस पीजी चलते हैं, कल सुबह निकलेंगे। यार बिना मतलब की बकवास मत कर, एक घंटे का सफर कर चुके हैं और एक घंटे में गांव पहुंच जाएंगे, और अब तू चाहता है कि वापस पीजी चले, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ने वाला है। गांव वाले कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के बाहर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो कब्रिस्तान जाग जाता है। हॉरर मूवी मैं देखता हूँ और असर तेरे पर हो रहा है। बातें करते हुए दोनों बाइक से आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक कब्रिस्तान के सामने
कहीं से 2-3 कुत्ते लड़ते हुए सड़क पर आ गए। उन कुत्तों को बचाने के चक्कर में संजय की गाड़ी फिसल गई। संजय वहीं पर गिर गया, मगर पीछे बैठा हुआ जतिन थोड़ी दूर उछल कर गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। संजय जतिन को होश में लाने की कोशिश करने लगा, तभी उसकी निगाह कब्रिस्तान के लगे हुए बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था, रात के वक्त इस कब्रिस्तान के सामने से ना गुजरे। उस बोर्ड को देखकर अब संजय को भी डर लगने लगा। यह जतिन, क्या हुआ तुझे? उठना, देख तू भी किस जगह पर गिरा है। सामने ही कब्रिस्तान है, जल्दी चल, जल्दी चल यहाँ से। संजय के कहने पर अचानक से जतिन ने आंखें खोली और उसके सिर पर लगी चोट के कारण उसका खून बहते हुए पूरे चेहरे को लाल कर रहा था। जतिन के होश में आने के कारण संजय खुश हो गया, मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जतिन की आंखें पूरी तरह से सफेद है और एक टक देख रही है, उसकी पलक भी नहीं झपक रही। संजय ने तुरंत अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसकी चोट पर बांधा और गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए अपने गाँव पहुँच गया। जतिन के उसके घर छोड़कर वो अपने घर आया और सो गया। अगले दिन बाहर के शोर शराबे से उसकी नींद खुली। उसकी माँ ने रोते हुए जतिन की मौत के बारे में बताया। संजय तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ। माँ, ये क्या बोल रही है? जतिन मर गया? कल तो वो मेरे साथ था, हम दोनों साथ ही में आए और अचानक ऐसे कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा। जतिन के सर पर छोटी सी चोट लगी थी, मगर अगली सुबह जब वो जतिन को उठाने के लिए गई तो जतिन मरा हुआ था और लाश भी इस तरह अकड़ी हुई थी मानो उसे मरे हुए 7-8 घंटे हुए हो। सच सच बताना, वो चोट कैसे लगी थी? जतिन की मौत की बात सुनकर संजय अपने घर से भागता हुआ उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रुका। जैसे ही वो जतिन के घर पहुँचा, जतिन की लाश घर के आंगन में पड़ी थी। संजय के करीब आते ही अचानक जतिन ने आंखें खोली। ये देख आसपास बैठे हुए सभी लोग डर गए। संजय ने भी डरते हुए उसका हाथ छोड़ दिया तो जतिन उठकर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, क्या हुआ संजय, तुम तो डर गए? कहकर जतिन फिर बेहोश हो गया, मगर उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। लोग उसकी आंखें देखकर डर गए क्योंकि आंखों में काली पुतली थी ही नहीं। अरे ये कैसे मुमकिन है? पहले लड़का मर गया, फिर जिंदा होकर बातें करने लगा, फिर दोबारा ये सब कुछ, उसकी आंखों की पुतली कहाँ है? संजय, तुम और जतिन कल रात को साथ में ही आए थे ना, बताओ क्या हुआ है इसे? संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। तभी अचानक वहाँ एक तांत्रिक आया और जोर जोर से अपना चिमटा बजाने लगा। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। कल रात ये दोनों चक्र शमशान के सामने से निकले, जगे हुए कब्रिस्तान में उन लोगों के आराम में खलल देने का नतीजा देख लिया। भाई ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों में से एक हो गया है। छोड़ाओ उसके शरीर को उसी पुराने कब्रिस्तान के बाहर, वरना ये सब इस गांव में इसे लेने आज रात को आएंगे, कोई नहीं बचेगा, छोड़ा उसे। कहते हुए तांत्रिक वहाँ से चला गया। दूर हट जाओ मेरे बेटे से, पहले ही उसकी जान ले ली है, अब क्या पूरे गांव की जान संकट में डालोगे? तांत्रिक बाबा सही कह रहे हैं, हम लोग इसे लेकर पुराने कब्रिस्तान चलते हैं। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इन सारी बातों को। अभी इसे हम लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं, इसे डॉक्टर की जरूरत है। कब्रिस्तान ले जाएंगे मतलब क्या, इसे जिंदा ही कब्रिस्तान में छोड़ाओगे? किसने कहा तुमसे कि ये जिंदा है? मर चुका है, वहाँ दूर उसकी लाश है। सभी गांव वाले कुछ पूजा पाठ के सामान के साथ जतिन की लाश को पुराने कब्रिस्तान के बाहर छोड़कर आ गए। संजय दूर से ही उन सब लोगों को देख रहा था। जैसे ही गांव वाले उसे छोड़कर वापस गांव में पहुँचे, संजय ने जतिन को वहाँ से उठाया तो उसकी आंखें खुल गई। वो उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बाइक पर पीछे बैठे जतिन की गर्दन 360 डिग्री एंगल में घूम गई। उसकी सफेद आंखों से खून टपक रहा था। इधर शहर में संजय जतिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो पहले डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और उसका ट्रीटमेंट चालू किया, मगर उसकी बॉडी कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। मशीनें उसे मृत बता रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि जतिन की आंखें खुली हुई थी, वो आंखों से रिस्पांस कर रहा था, मगर जैसे ही डॉक्टर ने मृत घोषित किया वो लाश भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और संजय की आंखों के सामने ही वो गायब हो गए। संजय उसे सब और ढूंढ रहा था। ये नजारा देख डॉक्टर भी हैरान हो गए। तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। अचानक होने वाली इन लाशों की हलचल से उसकी साधना में विघ्न पड़ गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और हाथों में कमंडल ले गांव की ओर आ गया। गांव में सभी लोग इस पूरी हलचल से नावाकिफ थे। जैसे ही लाशें गांव की सीमा में आई, सभी पालतू जानवर जोर जोर से रंभाने लगे। कुत्ते भौंक रहे थे। गांव में जानवरों को यूं परेशान देख गांव वाले जब अपने घरों से बाहर निकले तो वहां का नजारा देख हैरान थे।
सभी लाशें जानवरों का खून चूस रही थी। अचानक इंसानों को अपने सामने देखकर जानवरों की लाशों को छोड़ वो लोग इंसानों की ओर बढ़ने लगे। सभी इंसान डरकर एक कोने में खड़े हो गए। तभी लाशों और गांव वालों के बीच तांत्रिक आकर खड़ा हो गया। इन लोगों से दूर रहो, खबरदार जो इन लोगों के करीब आने की कोशिश भी की। सभी लोगों को सावधान करते हुए तांत्रिक ने अपने हाथ में कमंडल का जल लिया और कुछ मंत्र बोलने लगे। जैसे ही उन्होंने वो जल उन लाशों पर डाला, सभी लाशें एक साथ जोर जोर से दहाड़ने लगी। उनकी आवाज से सभी गांव वाले और ज्यादा डर गए। तांत्रिक ने पास रखी लकड़ी को उठाया और कुछ मंत्र बोलकर उस लकड़ी में आग लगा दी और वो जलती हुई लकड़ी लेकर लाशों की ओर बढ़ने लगा। लाशें धीरे धीरे पीछे हट रही थी, मगर बारिश के कारण जलती हुई लकड़ी बुझ गई। तभी सबको सामने जतिन की लाश नजर आई। सारी लाशें अब धीरे धीरे जतिन की ओर बढ़ रही थी। तांत्रिक को लगा यही सही मौका है। उसने गांव वालों को इशारे से अपने करीब बुलाया और सभी से सूखी लकड़ी और घास इकट्ठा करने का कहकर वो अपने हाथों से एक घेरा बनाकर उस घेरे के अंदर साधना करने बैठ गया। सभी गांव वाले ढेर सारी लकड़ी और घास लेकर तुरंत आए। जैसे ही सारी लाशें जतिन के करीब पहुंची, तांत्रिक का इशारा पाकर सभी गांव वालों ने जलती हुई घास और लकड़ियां उन लाशों के ऊपर फेंक दी। जलती हुई लाशें जोर जोर से चीख रही थी। चीखना बंद करो, ये दहन तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। कहते हुए तांत्रिक ने मंत्र चालू रखे और हर मंत्र के साथ एक एक लाश की मुक्ति हो रही थी। सभी की मुक्ति के बाद आसमान से होती बारिश अचानक से बंद हो गई। गांव वाले तांत्रिक के आसपास आकर बैठ गए। बाबा, आज आपके कारण इस गांव को पुराने कब्रिस्तान की दहशत से मुक्ति मिल गई। ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, हम और तुम तो केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। आज शायद इन लोगों की मुक्ति का ही दिन था जो ऊपर वाले ने मुझे उसका निमित्त बना दिया, वरना पिछले कई सालों से मैं इन लोगों को मुक्त करने की कई कोशिश कर चुका हूँ। भगवान तुम गाँव वालों की रक्षा करे। कहकर तांत्रिक वहाँ से चला गया। फूलों से सजे हुए उस कमरे का दरवाजा खुला और दुल्हे ने कमरे के भीतर कदम रखा, लेकिन कमरे के भीतर कदम रखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और उसके सामने उसकी दुल्हन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देखकर दूल्हे के होश उड़ चुके थे। तभी उसे अपने कमरे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से अपने कमरे के अंदर गए और देखने लगा। उसने देखा कि कोने में कोई बैठा है जो दुल्हन के लिबास में है और उसने सामने घूंघट कर रखा है और वो सिसक रही है। दूल्हे ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसके पूछते ही उस कमरे में जल रही तमाम मोमबत्तियां बुझ गई और ऐसा लगा जैसे उस कमरे में तूफान उठ रहा है। दूल्हे के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा वो औरत उठकर खड़ी हुई और उसके चेहरे से दुपट्टा उड़ा। उसके चेहरे को देखकर दूल्हा जोर से चीख पड़ा। 6 महीने पहले सड़क पर एक कार बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी और कार को ड्राइव कर रहा था 20-22 साल का एक लड़का। वो बार बार अपने पीछे बैठे पैसेंजर को देखता जा रहा था और आखिर में जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, आप यहाँ के लगते नहीं है? पीछे बैठे हुए उस लड़के जिसका नाम सार्थक था, उसने मुस्कुराकर कहा, काफी साल बाद आया हूँ। दरअसल मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहा हूँ। अब पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनकी इच्छा है कि हम सब परिवार कुछ दिनों के लिए एक साथ गांव में रहे। आगे जाकर नदी का हिस्सा शुरू हुआ और एकदम से कार रुक गई। क्या हुआ, कार क्यों रुक गई? ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता हुआ बोला, पता नहीं साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जगह पर इस तरह कार का रुकना ठीक नहीं। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। कितनी खूबसूरत जगह है, और तुम परेशान मत हो, तुम देखो मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तभी सार्थक को एक लड़की के हंसने की आवाज आई। उसने देखा 3 लड़कियां नदी में नहा रही थी और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थी। सार्थक के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। नदी किनारे जाकर सार्थक खड़ा हो गया और उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और सार्थक बस उसे देखते ही रहा। उस लड़की ने जब देखा कि कोई उसे घूर रहा है तो वो नदी से निकली और सार्थक के सामने चुटकी बजाती हुई बोली, विलायती बाबू, कभी लड़की नहीं देखी? शर्म नहीं आती पराई लड़की को नहाते देखने में? सार्थक बस उसको देखते हुए बोला,
मैं सार्थक हूँ और तुम अपना नाम बता दो फिर हम पराए नहीं रहेंगे। सार्थक की बात पर वो लड़की हंसती हुई बोली, लगता है किसी ने बताया नहीं आपको कि अजनबी लड़कियों के साथ इस तरह का मजाक अक्सर लोगों के लिए खतरा बन जाता है। सार्थक तो जैसे उस लड़की से पहली नजर में प्यार कर बैठा था। मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। माया नाम है मेरा, नदी पार अपने कबीले के साथ रहती हूँ, कभी फुर्सत में हो तो आना। तभी ड्राइवर ने आवाज लगाई और सार्थक अपने कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते वो बार बार माया को पलट पलट कर देख रहा था। सार्थक अपने घर तो पहुंच चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी माया में ही अटका हुआ था। अगली सुबह उठकर नदी के किनारे चल पड़ा और वहां जाकर माया की राह देखने लगा। काफी देर तक माया नहीं आई तो उसे याद आया कि वो नदी पार रहती है। सार्थक नदी पार आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से माया ने आवाज लगाई, विलायती बाबू कहाँ जा रहे हो? सार्थक ने पीछे देखा तो माया नदी की दूसरी तरफ नदी में पैर डाले बैठी सार्थक को देख रही थी। सार्थक हैरानी से जल्दी जल्दी नदी पार आता हुआ बोला, अरे मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम दिखी नहीं तो मैं उस तरफ जा रहा था। तुम अभी तो यहाँ नहीं थी, अचानक कैसे आ गई? मैं कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। सार्थक माया की आंखों में देखता हुआ बोला, क्यों जादूगरनी हो? माया हंसते हुए बोली, नहीं डायन हूँ। सार्थक जोर से हंस पड़ा। सार्थक और माया का मिलना जुलना बढ़ गया था। सार्थक रोज नदी किनारे आता, माया के साथ घंटों बैठकर बातचीत करता। एक दिन अचानक सार्थक ने माया से पूछा, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है, क्या तुम मेरा साथ जिंदगी भर देना चाहोगी? विलायती बाबू, एक बार अगर माया ने कोई वादा कर लिया तो फिर पीछे नहीं हट पाओगे। मुझे पीछे हटना भी नहीं, तुम बस हाँ कर दो। माया के हाँ करते ही सार्थक खुशी से पागल हो गया। उस दिन अपने घर पर अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रहे सार्थक ने अपने पिता से कहा, पापा मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मुझे इसी गांव की एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा हैरानी से बोले, गांव में ऐसा कौन है? माया नाम है उसका, नदी के उस पार किसी कबीले में रहती है। ये सुनते ही सार्थक की माँ जो खाना लेकर आ रही थी उसके हाथ से खाना छूट गया और वो बोली, ये क्या कर रहा है तू? तू जानता भी है नदी के उस पार क्या है? और सार्थक ने कहा, क्या है ऐसा? उसकी माँ बोली, वो जो भी है बस तू उस तरफ नहीं जाएगा और ना ही उस लड़की जो भी नाम है उसका उससे मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? ये सुनकर सार्थक खाने पर से उठ गया और बोला, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं माया से ही शादी करूंगा। इतना कहकर खाना छोड़कर वो चला गया और सार्थक की माँ सार्थक के पापा से बोली, सुना आपने ये क्या कह रहा था? आपको याद है ना सालों पहले क्या हुआ था नदी के उस पार? उस रात जब सार्थक अपने कमरे में सोया था तो उसे लगा जैसे कि उसके कमरे में कोई है। सार्थक ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके कमरे में आईने के पास कोई खड़ा था। नींद में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अब अपने फोन का फ्लैश ऑन किया तो उसने देखा वहां माया खड़ी थी। माया को देखकर सार्थक हैरानी से बोला, माया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? मैंने कहा था ना विलायती बाबू, मैं कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ। क्या हुआ? आपने अपने घर वालों से बात की और वो नहीं माने। वो मानेंगे भी नहीं। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो उनकी मर्जी के खिलाफ ही करनी होगी। बोलिए ना, आप करेंगे ना मुझसे शादी? इतना कहकर माया ने सार्थक के सीने पर हाथ रखा और सार्थक वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब तक उसकी आंखें खुली तो वो बिस्तर पर सोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। क्या ये कोई सपना था? वो अजीब कश्मकश में था। वो सोच रहा था कि क्या करे। और उस दिन वो शाम के वक्त माया से मिलने निकला। वो फैसला कर चुका था वो घर वालों के खिलाफ जाकर भी माया से शादी करेगा। सार्थक जैसे घर से बाहर निकलने लगा उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा सार्थक, आज तू कहीं नहीं जाएगा। आज अमावस की रात है, आज की रात बहुत भारी होती है बेटा,
आज सारी बुरी ताकतें अपने असली रूप में होती है। लेकिन सार्थक ने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी और वो घर से निकला और सीधा नदी किनारे चला गया। काफी देर तक माया की राह देखता रहा, लेकिन जब माया नहीं आई तो वो नदी पार उसके कबीले की तरफ बढ़ने लगा। सार्थक काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन कबीला तो क्या, एक घर तक नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक खंडर पर पड़ी। सार्थक ने देखा वो पूरे तरीके से जला हुआ था, लेकिन उसके आसपास बदबू बहुत तेज थी, जैसे मरे हुए जानवरों की हो। वो धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ बढ़ाने लगा। उसने देखा वहाँ चारों तरफ खून हड्डियां बिखरे हुए थे। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तभी उसके कान में हंसने की आवाज पड़ी। वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अचानक उसके कदम थम गए, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ लड़कियां आपस में बैठकर हंस रही थी, बात कर रही थी। सार्थक ने देखा तो आवाज तो लड़कियों की थी, लेकिन कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सब आधी जली हुई बूढ़ी औरतें थी। चेहरे पर झुरिया, सफेद बाल, और वो सब किसी जानवर को नोच नोच कर खा रही थी। तभी सार्थक की नजर उनमें से एक औरत के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में वही चूड़िया थी जो सार्थक ने माया को दी थी। ये देखकर सार्थक हड़बड़ा गया और वो जोर से चीख पड़ा। सार्थक की आवाज पर वो सब उठकर खड़ी हो गई, और वो बूढ़ी जिसके हाथ में माया के कंगन थे, उसने सार्थक के सामने माया का रूप ले लिया। सार्थक वहीं से उल्टे पैर भागा, क्योंकि वो समझ गया था कि माया जो बात बात में कहती थी कि मैं डायन हूँ, वो वाकई में एक डायन थी। उसके घर वाले जिस डर को दिखा रहे थे वो भी जायज था। सार्थक सीधा अपने घर आया। कुछ दिन तक तो वो ऐसे ही पड़ा रहा, जैसे उसके होश व आवाज नहीं थे। और फिर एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि वो तैयार है, जहाँ चाहे सार्थक की शादी करवा दे। सार्थक शादी के लिए तैयार तो हो चुका था, लेकिन वो बहुत बेचैन था। रात के वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक करवट बदलने के बाद जब उसे नींद आई तो उसे लगा जैसे उसकी छाती पर बैठा कोई उसका गला दबा रहा है। सार्थक ने जब आंखें खोली तो उसकी छाती पर माया बैठी हुई थी, और सार्थक को देखते ही वो बूढ़ी जली हुई औरत में बदल गई और बोली, मैंने तुझसे कहा था ना सोच समझ कर वादा करना। तूने मुझसे वादा किया था और अब तू कहीं और शादी करना चाहता है। पहले भी तेरे बाप ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की, और अब मैं तुझे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने सालों तेरा इंतजार किया है, और तेरे माध्यम से मैं अपना वंश बढ़ाकर ही रहूंगी, वो वंश जिसे तेरे बाप ने खत्म किया था। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है, लेकिन सार्थक पूरी ताकत लगाकर चीखा। सार्थक के माँ और पापा उसके कमरे में भागते हुए आए तो उन्होंने देखा सार्थक नींद में चिल्ला रहा है। उसके पिता ने जब उसे नींद से जगाया तो सार्थक ने सारी बातें बताई। बेटा, इसलिए हमने तुझे हमेशा यहाँ से दूर रखा, एक ऐसा सच जो तू नहीं जानता। बात बहुत पहले की है, हमारे गांव में नदी के बाहर के हिस्से में कबीला रहने आया था। हमें लगा था कि वो इंसान है। हमने गौर नहीं किया कि उस कबीले में सिर्फ औरतें थी, कभी भी मर्द नहीं था। धीरे धीरे हमारे गांव के मर्द गायब होने लगे, बच्चे गायब होने लगे, जानवर गायब होने लगे, और हमें पता चला कि वो सब की सब डायन है। मर्दों को अपने हवस के लिए इस्तेमाल करती है, छोटे बच्चों को अपने काले जादू के लिए, और जानवरों को अपनी भूख मिटाने के लिए। तब मैंने गांव वालों के साथ मिलकर उनके पूरे कबीले में आग लगा दी और उन सबको जलाकर मार डाला। लेकिन वो सब थी तो काले जादू से बनी डायन। मरने के बाद और भयानक बन गई, और उसने मुझे श्राप दिया कि जिस तरीके से मेरी वजह से पूरा डायन का कबीला समाप्त हुआ है, वो मेरे ही वंश है, यानी मेरे बेटे के साथ मिलकर ही अपना वंश आगे बढ़ाएगी। उसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी। हम समझ गए कि ये सब उस डायन के श्राप की वजह से हो रहा है, इसलिए तेरी माँ तुझे लेकर तेरे नाना के घर रहने लगी। लेकिन जब तू बड़ा हुआ तब से हम तुझे हॉस्टल में छोड़ने लगे, और तब से अब तक हमारी यही कोशिश रही है कि तू यहाँ ना आए, और अब जब तू यहाँ आया है तो वो वापस लौट आई है। तू फिकर मत कर, मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है, बस तेरी शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद ही सार्थक की शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन उसके घर में सबको डर था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन शादी तो धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी की पहली रात जब सार्थक अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि दुल्हन फांसी के फंदे से लटक रही थी। उसके कमरे में एक औरत बैठकर सिसक रही थी, जो दुल्हन के लिबास में थी।
और सार्थक ने जब उससे पूछा कि वो कौन है, तब उसके चेहरे से घूंघट उठा और उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो लाल लाल आंखों से सार्थक को घूर रही थी। माया आगे बढ़ी और सार्थक का गला पकड़ लिया और बोली, मुझसे वादा करके तू किसी और का हो जाएगा, ऐसा तू सोच भी कैसे सकता है? तुझे क्या लगा कि तेरी शादी आराम से हो गई? तो मैंने कुछ नहीं किया, तेरी शादी मुझसे हुई है। ये जो फांसी पर लटकी हुई है, इसका तो सिर्फ शरीर था दुल्हन का, लेकिन तेरी मैं हूँ और अब मैं अपना मकसद पूरा करूंगी। तेरे जरिए अब मैं फिर से अपने डायनों का वंश आगे बढ़ाऊंगी। इतना कहकर वो सार्थक का गला पकड़े हुए खिड़की से कूद गए और आधी रात के वक्त नदी के पार उस खंडर में सार्थक की चीखें गूंजती रही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।